भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के महज एक दिन बाद देश के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा खत शेयर करते हुए कहा कि वो अपना पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लौटा रहे हैं। रेसलर बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को लिखे खत में कहा, मुझे 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो लगा कि जीवन सफल हो गया, लेकिन आज उससे भी ज्यादा दुखी हूँ। ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। 21 दिसंबर की रात रोते हुए निकली, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां जाएं और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, कैसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं। उन्होंने आगे कहा, जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है, और अब तो वो पूरी तरह से दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूलमाला वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस साल में पहुंचा दिया गया है, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी ज़िंदगी ताउम्र कचोटेगी, इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। आपको बता दें कि ब्रजभूषण के दोस्त को अब जिस तरह से कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, उसको देखते हुए महिला रेसलर साक्षी मलिक ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। बाकी आप सभी को क्या लगता है, पहलवानों का ये कदम वास्तव में ठीक भी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।